नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत। इस बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। और हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। कैमरा पर्सन संजय असोपा के साथ ललित परिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश के तमाम राजनीतिक दल आने वाली वोटिंग की तारीख से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता के बीच रैली कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। वो हर उम्मीदवार का पूरा टेस्ट ले रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजनीतिक दलों के बीच चल रही है महाभारत। किसको जनता अपना आशीर्वाद देकर देश की संसद तक पहुंचाएगी, इसका पता तो आने वाली 23 मई को चलेगा। अपने इस खास कार्यक्रम चुनावी रिपोर्टर में हम आपको चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे और साथ ही साथ हम प्रदेश की नब्ज को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे कि इस वक्त चुनावी माहौल क्या है, किसके पक्ष में हवा बह रही है और साथ ही ये भी बताएंगे कि किनके बीच कांटे की टक्कर है और 25 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का पंजा बाजी जीत कर ले जाएगा। इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत। इस बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। और हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। कैमरा पर्सन संजय असोपा के साथ ललित परिहार। और चुनावी रिपोर्टर में आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रतापगढ़, जहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय जैन स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने जानने की कोशिश की कि वहां हवा किसकी तरफ है। आइए देखते हैं कि क्या है प्रतापगढ़ के लोगों का चुनावी मूड। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 29 अप्रैल को मतदान होना है। यह है प्रतापगढ़ का बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड है। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट में यह प्रतापगढ़ का विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पर जनता का मूड क्या है, जनता के मुद्दे क्या रहेंगे, इस विषय में आज हमारे साथ यहाँ बहुत सारी जो आम जनता है वो है, उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। हाँ, मैं प्रतापगढ़ जिले से गाँव बसाड़ मोहम्मद इसाक शेख बोल रहा हूँ। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि एक तो बसों के टैक्स बढ़ा दिए इस सरकार में और इनके मार पड़ रही बसों वालों के, और अननोद रोड की इतनी, प्रतापगढ़ से पिपलोदा अननोद की इतनी हालत ख़राब है। और हमारे सांसद महोदय अभी बसाड़ आए थे 13 के बाद, तो 5 साल में कभी नहीं आए। और उन्होंने क्या किया, इससे पहले महावीर भगोरा जी थे सांसद बीजेपी के, तो उन्होंने एक प्रतीक्षालय यात्री बनाई बसाड़ में और उन्होंने कुछ नहीं बनाया। और मुझे प्रतापगढ़ में एक बाईपास की ज़रूरत है सख्त, जो इतने एक्सीडेंट रोज देखता हूँ मैं कि मीडिया वाले भी मेरे से परेशान हो जाते हैं, फोन लगाता हूँ। क्योंकि बाईपास की यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ लोगों की स्थानीय सांसद से नाराज़गी है और यही जो मुद्दे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा हार जीत का कारण बनेंगे। आप बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे, आप बताएंगे क्या? भाई साहब ही बताएंगे, घबराई मत, आप बोलिए। बहुत सारे व्यक्ति है हमारे पास जो इन मुद्दों पर बोलना चाहते हैं, अपनी राय रखेंगे। क्या है लोकसभा चुनाव में मोड़ दीजिए साहब? अभी तो है मोदी जी की लेट चल रही है, मोदी जी को ही वोट देंगे हम तो, क्या सरकार मोदी जी की बननी चाहिए। सांसद के कामकाज से आप कितना खुश है? सब बहुत खुश है। सांसद के कामकाज से कोई खुश है, किसी की नाराजगी है? आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं जीरन से आया हूँ। सांसद की स्थिति का वोट के चुनाव में क्या महत्व है? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? क्योंकि हमारे उन्होंने 2.5 लाख रुपए मंजूर किए मकान के, और हमारा प्रयास ये है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, इनको मकान बनाने के लिए पैसे मिले हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे भाई साहब चुनाव में। हम मोदी जी की तरफ से बहुत खुश हैं और हमारा अवसर योजना बनाए हैं, हम बहुत खुश हैं। किस कारण से खुश हैं? मोदी जी ने मकान बनाया, हमारे गरीब आदमी को व्यवस्था करी, इसलिए।
आप जानते हैं यहाँ पे लोकसभा चुनाव में और मुद्दे क्या रहेंगे? पता नहीं जी। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ लोगों में काफी जागरूकता है, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ लोगों की राय आ रही है। आप अपने सांसद के कार्यकाल से कितना खुश हैं? अच्छे हैं साहब। क्या काम करवाया उन्होंने? मोदी जी ने अच्छा काम करवाया, आवास योजना, अच्छे पैसे दे रहे हैं, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के भी यहाँ काफी समर्थक है और उनकी खिलाफत करने वाले भी लोग हैं। हमारे साथ ग्रामीण इलाकों से आए हुए लोग हैं। आप सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? बहुत अच्छा खुश है साहब। हम क्या योजना है सरकार की, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप? हमारे घर में जो गैस कनेक्शन नहीं थे वो गैस कनेक्शन दिए उन्होंने, मकान दे रहे हैं, और भी हमें बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाना पड़ता था, वो निःशुल्क खाते खुले हमारे और सीधे सट पैसे हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी हमारे हैं और सीपी जोशी जी। आप खेती करते हैं? बिल्कुल साहब। खेती में क्या फ़ायदा हुआ है सरकार? खेती में साहब हमारे किसान का क्रेडिट कार्ड बनवाए इन्होंने, उसके अलावा अपने जो इनके अभी जो योजना निकाली है 6,000 रुपये साल भर के देने के, इसलिए हमारे मतलब खेत बारिश होने से पहले 2,000 रुपये से डालते रहेंगे, ये इस तरह की बात है। ग्रामीण इलाकों से लोग जो आए हैं वो भी काफ़ी खुश हैं मोदी की नीतियों से, उनके खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उनके तहत उनको मकान मिले। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे साथ एक और बंधु है, क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी। आप आने वाले लोकसभा चुनाव में पता है आपको किन दलों की तरफ या किन मुद्दों को आप लेकर मतदान करेंगे? मोदी को। मोदी जी को क्यों करेंगे मतदान? वो हमारी पार्टी का है, जनता के लिए क्या काम किया? बहुत काम किया है, कर्ज माफ किया है, समस्या माफ की दी है। ये ग्रामीण इलाकों से आए किसान भी है हमारे साथ, और भी कई जो यहाँ पर लोग हैं उनसे हम जानते हैं। आप आने वाले लोकसभा चुनाव के विषय में क्या कहेंगे? अपने मोदी जी आना चाहिए। लोग बाग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, मोदी जी के भी काफी समर्थक है, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मोदी जी, मोदी। क्या क्या मोदी जी क्या करेंगे, क्या चाहते हैं आप मोदी जी से? हम जो मोदी जी को जिताएंगे। आप चाहते क्या है जिताने के बाद? जिताने के बाद जनता को जाते हैं, हम तो बेरोजगार होना चाहते हैं। जिले में यहाँ पर रेलवे लाइन की भी काफी समय से मांग उठ रही है, किसानों की भी कई मुद्दे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? सोडलपुर से। सोडलपुर से आए हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? सर मैं इसको बोल देते उसको, ये अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहे। हमारे साथ एक और जो दर्शक है उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ मुख्य मुकाबला है, क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव में? सर पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर एक तो बस स्टैंड की व्यवस्था सही साट नहीं है, आम आदमी दुखी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पे जो असम यहाँ पे ना तो कोई अच्छी होटल है जो गरीब लोगों के लिए खाना 5 रुपये में खाना मिल सके, ऐसे भी कोई होटल नहीं है, और अभी 8 रुपये में रोटी देते हैं, वो भी तोल के देते हैं। आप बोल रहे हैं चिकित्सालय की क्या व्यवस्था है? चिकित्सालय में कोई व्यवस्था नहीं साहब, और आए दिन छोटे मोटे अगर बीमार हो जाते हैं आदमी डायरेक्ट उदयपुर रेफर करते हैं यहाँ से, और कोई व्यवस्था नहीं हॉस्पिटल के लिए, चिकित्सा के लिए। हाँ चिकित्सक है हॉस्पिटल में जी, यहाँ पे अभी प्रेजेंट में कोई डॉक्टर नहीं है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और उसके बाद में ये एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, यहाँ छोटे छोटे एक्सीडेंट से लेकर के पूरा संभाग लेवल पे एक ही उदयपुरी हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर सिर्फ एक नॉर्मली ट्रीटमेंट देते हैं, इसके अलावा अनदर कुछ और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो नहीं है। लोकसभा चुनाव में चिकित्सालय, बेरोजगारी और रेलवे लाइन सहित कई मुद्दे, ग्रामीण इलाकों से और भी व्यक्ति हमारे साथ आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ जो स्थिति है जो वो क्या है, आप किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र बचेगा तो सब बचेगा, और राष्ट्र नहीं बचेगा तो सब भूखे मरेंगे। पुलवामा हमला जो हुआ था उसके बाद जो मोदी सरकार ने अटैक किए हैं, क्या आप उससे खुश हैं? हम खुश हैं, मोदी नहीं होगा तब देश बचेगा। सीधे साले कुछ नहीं किया इन लोगों ने, गरीबों का खून चूसा इन लोगों ने।
क्या आजकल मोदी जी 5 साल में क्या कर दिया? कनेक्शन टटेरा खड़ा बैंगरा खाता कितनी सुविधा कर दिया हमारे लिए? क्या 5 साल में क्या किया उन्होंने हमारे लिए? 5 साल में क्या 15 साल में कुएं का कनेक्शन नहीं होता था और 2 महीने में कनेक्शन हो गए हमारे? हमें तो वो चाहिए, राष्ट्र देश बचेगा तो हम बचेंगे और देश नहीं बचा सब भूखा मरेंगे। राष्ट्रवाद देश हमारा बचना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने की इन्होंने बात कही है। हमारे साथ इशाक मोहम्मद है, बसाड़ के रहने वाले हैं, इनका क्या कहना है ये जानते हैं कि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ जो उन आतंकवादियों का सर्वनाश किया, और मैं भी उस बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ लड़ने के लिए, और मोदी जी चाहिए ये इस बात में मैं सहमत हूँ कि उन्होंने अच्छे करारा जवाब दिया पाकिस्तान को और मेरे को बॉर्डर पर पहुँचावे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लोगों का जोश यहाँ पर हम देख सकते हैं, काफ़ी जोश है। आप क्या कहेंगे? आपको लोकसभा चुनाव के विषय में जानकारी है, कुछ आने वाले लोकसभा चुनाव है, आप कुछ कहेंगे? ग्रामीण इलाकों से आए हैं, काफी संकोच यहाँ पर लोगों के बीच है। आप देश में मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। गरीब को लिए अनाज सस्ता किया थोड़ा धन, गरीब पैसे वाले था बना लिए, नोटबंदी की थी, गरीबों के बहुत फायदा हुआ बहुत। गांधी जी तो राहुल गांधी बहुत बढ़िया बार क्या धोखा दिया मैंने कि कर्जा माफ 10 दिन के अंदर गारंटी बंद कर्जा माफ करूंगे ऐसे किया था, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। क्या हुआ कर्जा माफ? बैंक में वया कोई हुआ नहीं कर्जा। मोदी जी काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा गरीबों के लिए, गरीब मजदूर के लिए। मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं का क्या कहना है, हम इनसे बात करते हैं। ग्रामीण इलाकों से जो आई हुई महिलाएं हैं उनका क्या कहना है? जी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है लोकसभा चुनाव है, किन को मतदान करें, किसको वोट देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्या आपकी? वोट होगा, वोट किसको दोगे आप? यहाँ महिलाओं में जो स्थिति है वो काफी संकोच वाली स्थिति है। ग्रामीण इलाकों से आई हुई महिलाएं और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई लोकसभा चुनाव है माला में, हाँ। कई समस्या रहेगा आपरी? जे समस्या देगा जे मोदी पानी रे समस्या है हमारे गांव में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कंडो पलड़ो भरी है मान मोदी जी हटी। मोदी जी कई दी दो आपने? मोदी जी की दो पैसा दी था पेंशन चालू की दी घोटोटा पंगला रे और कई की दो शौचालय और घर बढ़ियो ने बढ़िया हालते। कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ तो करेगा मोदी जी के। मोदी जी से लोगों को काफी अपेक्षा है यहाँ पर है। हमारे साथ और भी जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए, कहाँ से आए भाई साहब? वरमंडल से। क्या सोचते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के विषय में? मोदी जी को चाहते हैं हम। आप सांसद के कार्यकाल से खुश है? हाँ जी। सांसद जो है वर्तमान उनके कार्यकाल से खुश है? हाँ खुश है। क्या काम करवाए उन्होंने संसदीय सीए? काम तो चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मोदी जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? मोदी जी से पाकिस्तान पे दंगा हुआ इसलिए हम खुशी है। यहाँ मोदी जी के काफी समर्थक है। यह संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में वैसे वर्तमान में है, लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ से कांग्रेस को 17,000 से ज़्यादा मतों की बढ़त मिली थी, लेकिन ये जो लग रहा है रुझान लोगों का, कांग्रेस इस बढ़त को कितना कायम रख पाती है यह आने वाले लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। सहयोगी तेजकरण राठौड़ के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन। साहब ने जो बोला उसके अंदर किया है, लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि इस तरह का हो जो स्थानीय मुद्दों को लोकसभा में उठा सके। क्या सोचते हैं आप किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी जी की बननी चाहिए अपने हिसाब से, तो तानाशाही का राज है वो नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझाने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी मोदी ने किया। और विशेष नेता को ये उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में चुनकर वही जाएंगे। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, उदयपुर।
बहुत हुआ झूठे वादों का अत्याचार, लेकिन अब की बार लिखकर दो सरकार। आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हम खड़े हैं अजमेर के अंदर, ख्वाजा नगरी अजमेर, जो कि विश्व पटल पर एक अपना ऐतिहासिक और धार्मिक एक अलग ही महत्व रखती है। यहाँ की जनता क्या कहती है लिखकर दो सरकार के बारे में, क्या कहना है लोगों का, क्या वाकई में जो 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 सरकारें आई है उनके द्वारा मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वह पूरी हो पाए नहीं हो पाई। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा यह चुनाव है, इसको लेकर क्या लिखकर दो सरकार के बारे में क्या क्या कहना है आपका इस पूरे में? अपना यही कहना है कि कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो वादे पूरे करने हैं वो वादे पूरे करो। जैसे घोषणा पत्र में बता दें कि ये करेंगे ये करेंगे, करेंगे नहीं लिख करके दीजिए, हाँ भाई तब हमारा वोट आपकी आवाज़ आएगा, नहीं तो हम लोग अपने घर पे खुश हैं। हमें न 72,000 चाहिए, न 15 लाख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए। और किस तरह की समस्याएं अजमेर की हम बात करें आपको नज़र आती है? समस्याएं तो बहुत है अजमेर में भी, जहाँ भी देखो मतलब पूरा बराबर है, पूरा न स्वच्छ भारत बना न कहीं सफर कुछ भी। तो एक ऐसा होना चाहिए कि हमारा नेता ऐसा हो जो फैमिली की तरह अपने परिवार की तरह अजमेर का देखभाल करे, फिर अगली बार उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हम लोग अपने आप बोलेंगे कि भाई इसी बेटो नेता को देना है। ऐसी सरकार आनी चाहिए, ये झूठे बूढ़े वादे, हम लोगों को वादे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो करके दिखाएगा हमारा वोट उसके पास जाएगा। क्या समस्याएं, क्या बड़ी ऐसी समस्याएं हैं अजमेर में जो सालों से पूरी नहीं हो पाई है लेकिन वादे हर साल किए? पानी की समस्या सबसे बड़ी है, यहाँ पर बिसलपुर से पानी आता है, जबकि अल्टरनेट निकालना चाहिए, बरसों हो गए बिसलपुर से ही हम उस पर डिपेंड हैं। इसके अलावा खुले नाले हैं, स्मार्ट सिटी है, कई ऐसी योजनाएं जो आज भी बस्ते में पड़ी है, उनको बाहर नहीं निकाला, ना तो उसके ऊपर सोचा गया, ना कोई अमली जामा है। ये अजमेर का अजमेर का बनना है स्मार्ट सिटी, उसका भी कोई आज तक कहीं जमीन भी नहीं खरीदी गई, तो वो एक समस्या है लोगों के अंदर ही है ना ये। लेकिन हमेशा घोषणा पत्र किया जाता है अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया, क्या लगता है वाकई में यहाँ पर केवल घोषणाएं हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है? स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ठगा सा महसूस है। क्या आप क्या चाहते हैं फिर, अब इसका इस बार चुनाव के अंदर किस तरह से आप वोटिंग करेंगे, क्या आपका मन में रहेगा, क्या सरकार से मांग करेंगे कि इस बार घोषणा पत्र लिख के दें? नहीं, सरकार से इसी तरह की मांग रहेगी कि अगर वो सरकार कोई सी भी आए, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, हर सरकार को अपने घोषणा पत्र पर काम करना चाहिए ईमानदारी से और लिखित में देना चाहिए कि भैया ये हमने घोषणा पत्र दिया था, और 5 साल बाद उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि हमने ये दिया, उस रिपोर्ट कार्ड पे हम इतने % काम कर पाए। बहुत बढ़िया बात है कि रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, क्या लगता है कि वाकई में केवल सरकार घोषणाओं पे चल रही है? नहीं नहीं, घोषणाओं तो बहुत हर समय से, लंबे समय से अपन देख रहे हैं, 70 साल करीब हो चुके हैं, चल रही है घोषणाएँ, चलती रहती है, मगर समय की मांग ये हो गई है आज जो भी हो लिखित पैटर्न होना चाहिए, एक नोटरी की, जैसे आम आदमी से अपन कुछ बात करते हैं या लेते हैं तो उसे नोटरी की मांगते हैं, ऐसे नोटरी लगनी चाहिए। साथ में क्या कर रहा, ऑनलाइन की फैसिलिटी हो गई, हर बंदे के पास आज मोबाइल है, ऑनलाइन पे डालना चाहिए भाई ये योजना इतने तक हो गई है, इस टाइम पीरियड में अपन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो ठेका टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा, क्या कंडीशन चल रही है। अभी अजमेर में ले लो, लंबे समय से चलता है बोला नाले अभियान चल रहा है, पानी अभियान चल रहा है, कुछ नहीं, रोड बनती है कुछ टाइम बाद फिर खोद देते हैं, वही पोजीशन क्लियर, लंबे समय से यही चलता आ रहा है, दोनों तरफ से इनपुट आउटपुट होता रहता है, बोला ये घोषणा कर दी भाई हमारे को ये मिलेगा वो मिलेगा, वहीं स्थिति बनी हुई है। मगर क्या है, इस बार न्यू जनरेशन चाहती है कि टाइमली हर चीज़ का एक प्रोडक्शन बना हुआ रहे कि भाई ये काम हो गया इस टाइम पीरियड में, 4 महीने 6 महीने कॉन्ट्रैक्टर को दिया तो टाइम पे हुआ नहीं हुआ, फिर इस पे अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन उठाया जाएगा। क्या वाकई में आप चाहते हैं कि सरकार इस बार एक कानून बनाकर जितना घोषणा पत्र है उसको नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, ये होना चाहिए, समय की ये परिस्थिति, पुरानी परिस्थितियों को बदल दिए, न्यू जनरेशन है, न्यू चीज़ मांगती है, स्मार्ट बनना रहा है बंदा तो सरकार भी स्मार्ट बननी चाहिए, तभी जाके पूर्तियाँ पूरी होगी, अन्यथा नहीं। वो इस कंडीशन है, बोला दिया घोषणा, उस टाइम तो पब्लिक को उत्साहने वाले भाषण दे देते हैं और बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, बोला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, आम जनता हमेशा से ठगा महसूस करती है। क्या लगता है, आपको भी लगता है इस बार सरकार को लिख कर देना चाहिए आम? जी हाँ, सरकार को बरोबर लिख के देना चाहिए, जबकि हमको स्टाम्प पे लिख के देना चाहिए क्या हम आपके लिए ये काम करने वाले हैं, ये नौकरियाँ देने वाले हैं। हर बार कहा जाता है कि इतनी नौकरी दे देंगे, इतने आदमियों को रोजगार दे देंगे, लेकिन होता क्या है, कुछ 5-10% लोगों को नौकरी मिलती है, 5-10% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि
जो ये वादे करते हैं उस वादे के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जीते कोई भी, चाहे सरकार किसी की भी आए। आम आदमी किसी सरकार के वो नहीं है कि ये आवे ये आवे, सरकार किसी भी आए, जो सरकार आएगी अच्छी आएगी, लेकिन जो सरकार आए अपने वादे पूरे करे। किस तरह के वादे आप चाहते हैं अजमेर को लेकर जो पूरे होने चाहिए इस बार? सर एक तो हमारे यहाँ रोड की बड़ी समस्या है, रोड बहुत छोटे हैं, नालियाँ नहीं है, उसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं 15-20-25 सालों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ रोड तो वही की वही है और पब्लिक इतनी बढ़ गई है। मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको रोड से हटावे और नए व्हीकल लावे, उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। सरकार जो भी है उनको ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, क्या वाकई में सरकार केवल घोषणाओं पर चल रही है? हाँ, घोषणाएं करती रहती है। अब हर जो सरकार आती है नए कार्ड स्टार्ट कर देती है, अभी हमेशा कार्ड स्टार्ट कर दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। राशन कार्ड की वैल्यू ख़त्म कर दी, वो जाओ राशन लेने अंगूठा नहीं आगे तो राशन ही नहीं मिलेगा। वादे हमेशा करते हैं, क्या वाकई में वादे पूरे अभी तक नहीं करे किसी ने भी? क्या चाहते हैं फिर आप भाई? नहीं सरकार आवा तो अपना एक घोषणा पत्र ऐसे लावा, स्टाम्प पे लिख के देवे कि हम ये काम करेंगे पक्का। किस तरह का कानून चाहते हैं इन घोषणा पत्र को लेकर खासतौर से हम बात करें? छोटी घोषणाओं जो राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें अमली जामा पहनाने के लिए एक कानून बनना चाहिए और जो सरकार उन कानून बनाए उसके अंतर्गत अगर काम नहीं करती है तो वो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज का युग थोते आश्वासन देने से नहीं चलेगा। जो वादे करते हैं सारे आज तक हिंदुस्तान से आज़ादी से लेकर आज तक सारे कानून जितने भी बनाए राजनीतिक दलों ने अपने हितों के लिए बनाए, जनता का शोषण होता रहा है और आगे भी होने की संभावना। हमारी पुरजोर मांग है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मोदी जी ने 15,000 की घोषणा की लेकिन 15,000 की जगह 15 रुपये नहीं मिले लोगों को। स्वच्छ भारत मिशन का योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन आज देखने को नहीं मिलता है। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, आज तक स्मार्ट सिटी बना नहीं। तो ऐसी छोटी घोषणाओं के बजाय और राजनीतिक दलों को लिखित में एक स्टाम्प द्वारा लिखा जाए कि हम जो घोषणा करके जा रहे हैं, जो उम्मीदवार जिस क्षेत्र से हो उसको अगर वो कार्य पूरा नहीं कर पाए तो उसको निलंबित किया जाने का कानून बनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है, कानून बनना चाहिए। घोषणाएँ पूरी नहीं होती है तो उस मंत्री को, उस अधिकारी को, सबको निलंबित कर देंगे, क्या लगता है? सर देखिए, अजमेर शहर जहाँ पर आप खड़े हैं उससे पूरे हिंदुस्तान में उस अजमेर शहर का नाम है, लेकिन दिखने में सिर्फ नाम है, लेकिन आप अगर हकीकत में अगर अजमेर शहर में आप जाओगे तो वहाँ पर आज भी वही स्थिति है जो कम से कम 50 साल पूर्व होती थी। क्यों क्यों ऐसी स्थिति? वजह मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नेताओं ने वादे करके सिर्फ पब्लिक से वोट लेकर के उस क्षेत्र में विकास जारी नहीं किया। आज आप जाकर के देखिए स्लम सिटी जाकर गुजर धरती नगर जैसे इलाके में, बावड़ी पाड़े जैसे इलाके में, नगर जैसे इलाके में अगर वहाँ पर बारिश का मौसम आने वाला है, अगर अभी थोड़ी सी 2 घंटे भी बारिश आ गई तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नेता देखने वाला नहीं होता है। क्या, क्या मांग क्या है नेताओं मांग, इस बार चुनाव के अंदर मांग यही है कि आप नेता बनने के बाद, सांसद चुनने के बाद, आप जो गरीब लोग है, जो गरीब लोग जो आपको वोट देते हैं, जो आपकी पार्टी को वोट देते हैं, वहाँ जाकर के आप उनकी स्थिति को सुधारिए। वहाँ मरने जैसी हालत हो रही है, आप बारिश का मौसम होने वाला है, आप उन लोगों को कई पट्टे दीजिए, वहाँ से चद्दरों के मकान हैं उन मकानों को वहाँ से हटवाइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी वजह से आज वहाँ के लोग इस बार शायद वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक ठोस कानून बनना चाहिए, जो मैनिफेस्टो बनता है, जो पार्टियों का घोषणा पत्र बनता है, और सरकार को अब आम जनता को लिख कर देना चाहिए इस बात को? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चाहे कोई सी पार्टी का राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जहाँ से चुनाव लड़ता किसी भी क्षेत्र से, उन लोगों को घोषणा पत्र से पहले, एक मैनिफेस्टो जारी करने से पहले एक स्टाम्प पर लिख करके देना पड़ेगा जनता को कि मैं ये वादे करूँगा। चाहे 100 वादे नहीं हो, चाहे 5 वादे हो, लेकिन वो वादे 5 वादे होने चाहिए, जनता के बीच में होने चाहिए और जनता को दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने 5 वादे पूरे किए, इस पार्टी ने 5 वादे पूरे किए और इस व्यक्ति ने ये काम किया। मुख्य समस्या की हम बात करें, क्या सबसे बड़ी समस्या है सर? मुख्य समस्या सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जल की समस्या है। आज यहाँ 48-47 घंटे में एक बार आधा घंटा पानी आता है और पानी में लोग त्राहिताहि मच रहे हैं, हैंडपम्प खराब पड़े हैं, हैंडपम्प सुधारने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर पूरे अजमेर शहर में लोग दूर दराज से गांव से पानी लेने जा रहे हैं, कुओं से पानी लेने जा रहे हैं, कोई पानी की वैकल्पिक व्यवस्था, कोई अगर सरकारी जो पहले ट्रैक्टर आते थे लोगों के क्षेत्रों में, वो पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। हमारा यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीते
कहाँ का पानी कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ का पानी कहाँ आना चाहिए। आज हमारे पानी का हक जयपुर तो को दे दिया गया है, लेकिन हमारे हक को तो मार दिया गया ना, तो हमारे पानी की हमें हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं मांग क्या रहे। सोच के इस बार वोट देंगे, क्या सरकार लिख के आपको वादा करेगी तब जाके वोट देंगे? सर वोट तो हमें करना ही, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति आए और एक स्वच्छ व्यक्ति आए जो यहाँ पर अजमेर शहर के विकास के लिए यहाँ पर काम करे, जनता की भलाई का काम करे, दिल्ली में भी बैठे लेकिन अजमेर की समस्या का भी ध्यान दे, और ऐसे व्यक्ति चाहे वो किसी पार्टी का हो वो जीत करके यहाँ से जाए तो अजमेर की जनता का ध्यान रखे। हाँ, लिख कर दो सरकार। कुल मिला के अजमेर वासियों की, ख्वाजा नगरी के रहने वाले लोगों की भी यही मांग है कि सरकार इस बार लिख कर दे, जो अपना घोषणा पत्र जो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है उसको बाकायदा गजट नोटिफिकेशन कराए और आम जनता को इस बात के लिए विश्वास दिलाए कि भले ही 100 वादे पूरे नहीं कर पाए लेकिन उस मैनिफेस्टो उस गजट नोटिफिकेशन में जो 5 वादे करेंगे उन 5 वादों को जनता के लिए वह नेता पूरा करेगा। कुल मिला के इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क के इस अभियान में आम जनता की यही मांग है कि बंद करो इस तरह के झूठे वादों का अत्याचार और अब की बार लिख कर दो सरकार। संजय गर्ग, इंडिया न्यूज़, अजमेर। साहब ने जो बोला उसके अंदर किया है, लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि इस तरह का हो जो स्थानीय मुद्दों को लोकसभा में उठा सके। क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी जी की बननी चाहिए अपने हिसाब से, तो तानाशाही का राज है वो नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझाने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी मोदी ने किया। और विशेष हर नेता को ये उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में चुनकर वही जाएंगे। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज़, उदयपुर।